एक बहुत ही ईमानदार अति सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक श्री राजकुमार गुप्ता पिछले दिने अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्च दे होए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच अश्विनी गुप्ता, सुनीता गुप्ता, मुकेश गुप्ता, मीनू गुप्ता, प्रिंस गुप्ता, रुचि गुप्ता, जीवन गुप्ता, सुषमा गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, पूनम गुप्ता, शिव कुमार गुप्ता, नीलम, राकेश, सीमा गुप्ता, राकेश गुप्ता, रचना गुप्ता, अंकुश गुप्ता, आकृति गुप्ता, राघव गुप्ता, चीनिया गुप्ता, तक्ष गुप्ता, धैर्य गुप्ता, अथर्व बांसल, चेतन गुप्ता, सिमर गुप्ता, पल्लवी गुप्ता, आशु बांसल अते उना दे समूह परिवार वल्लों अग्रवाल भवन हरियाणा रोड हुशियारपुर विखे करवाया गया। श्री राजकुमार गुप्ता जी दा जन्म पिता श्री सतपाल अग्रवाल जी दे घर माता श्रीमती निर्मला देवी जी दी कुखों हुशियारपुर विखे 10 जनवरी 1967 नूं होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगट सियाने अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। आप जी ने अपनी पढ़ाई पूरी कीती उपरंत आप जी ने सरसों दे तेल दा कारोबार शुरू कीता। श्री राजकुमार गुप्ता जी अपने हर काम नूं बहुत ही मेहनत, लगन अते ईमानदारी नाल करिया करदे सन। अते फिर आप जी ने अपने कारोबार नूं वधांदे होए सरस्वती प्लाईवुड अधीन अपना प्लाईवुड दा बिजनेस शुरू कीता अते इस दे नाल नाल आप जी ने AR ट्रेडर्स दे नाम अधीन अपनी लकड़ दी आड़त दा कारोबार भी शुरू कीता। श्री राजकुमार जी हुणा दा विआह 1992 विच श्रीमती रचना गुप्ता जी हुणा नाल होया। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। श्री राजकुमार गुप्ता जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदा दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। श्री राजकुमार गुप्ता जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभा दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा ता आप जी दा ही होके रह जांदा सी। श्री राजकुमार गुप्ता जी दी फुलवाड़ी तक्ष, धैर्य अते अथर्म नाल महक रही है। Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
में हम लीजा डालो जी से इस बहुत ही भावुक भावनी श्रद्धांजलि इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत की। ये भारी जल समूह बता रहा है श्री सतपाल जी निर्मला देवी जी के इस सुपुत्र के जाने का, इस परिवार को कितना बड़ा नुकसान सहना पड़ा। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलकी कहो मुनिनाथ, जीवन मरण हानि लाभ जस अप जस विधि हाथ। परम पिता परमात्मा ने इन छह चीजों को अपने हाथ में रखा, मौत जन्म जस अप जस हानि लाभ। 4,25,000 इस कलयुग की उम्र सीमा है कि तय हुई है 4,32,000, और जो मनुष्य की जीवन सीमा है परमपिता परमात्मा ने 100 साल इस कलिकाल में बताई गई है। 4,26,7,18,19, लेकिन खान पीन वातावरण अशुद्ध होने के कारण ये उम्र दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। सभी शास्त्रों में सभी प्राणों में केवल एक ही बात कही गई है कि अपने शरीर की रक्षा करें, स्वस्थ रहे, और जो परम पिता परमात्मा ने पिछले अच्छे कर्म किए, जन्मों में अच्छे कर्म किए, तो इस जन्म में बहुत सा पैसा हमें मिला, उस पैसे का सदुपयोग करें। सिर्फ दो बातें हैं, यही बातें परमपिता परमात्मा ने बार बार हम मनुष्य को, हम जीवों को बतलाई हैं। 84 लाख जूने, जिसमें से 4 लाख जूने तो हमें प्राणियों के रूप में मिली हैं। जो मनुष्य हैं वे 4 लाख प्रकार के हैं, 80 लाख प्रकार के अन्य जीव जंतु हैं। एक ही बात कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य तू राम रद वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना हो। कलयुग केवल नामा धारा सुमन सुमन नर उतर ही पा। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ये जीव मैंने इसीलिए दी है कि मनुष्य जैसी स्थिति हो, जैसी परिस्थिति हो, जैसी अवस्था हो, जैसी व्यवस्था हो, मेरे नाम का उच्चारण करता रहे, पाप पुण्य मेरे अर्पण करता रहे। क्यों? क्योंकि मनुष्य से जाने अनजाने कई प्रकार के पाप होते हैं। मेरा नाम उठते बैठते आते जाते कहीं भी किसी प्रकार का लिया जाए, तब उन पापों को मैं शीघ्र ही नष्ट करता हूँ। और मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि मनुष्य हजारों ही पाप क्यों ना कर ले, जैसे कि रुई का ढेर हो उसको आग लगाने के लिए एक माचिस सक्षम है, एक पूरा कमरा भरा हुआ हो तो रुई का ढेर नष्ट हो जाता है। मेरा नाम में इतनी शक्ति है कि आपके पाप नष्ट कर सकता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, जितने हमारे शास्त्र हैं, जितने हमारे पुराण हैं, इनसे एक ही सीख मिलती है, वो सीख लेनी चाहिए। वो क्या सीख है? जब किसी कारणवश एक शरारत की दुर्योधन ने और एक कबीले वालों ने उनको पकड़ लिया, इतना बलवान होने के बावजूद मैं अपने को छुड़ा नहीं सका। ये बात हस्तिनापुर पहुंची, हस्तिनापुर ने भी कहा युधिष्ठिर के पास, युधिष्ठिर के पास पहुंची
तो उन्होंने अर्जुन से कहा और भीम से कहा कि जाओ दुर्योधन को छुड़ा कर लेकर आओ, उनसे एक गलती हो गई है, आप यथासंभव प्रयास करें और उसको छुड़ा कर लाओ। लेकिन भीम ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। अर्जुन ने उसका समर्थन किया कि हम क्यों जाएं, ये कौरवों का मामला है, अभी युद्ध नहीं हुआ था, एक ही महल में रहते थे, एक ही शहर में रहते थे, कि हम क्यों जाएं, वो सौ हैं वो जाएं। तो जो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, इस कली युग, इस कली काल में, इस युग में जब हम यहाँ पर रह रहे हैं, ये गांठ बांधने वाली बात है। तो भगवान भी उस वक्त मौजूद थे। युधिष्ठिर कहने लगा कि हम घर में पांच और सौ हैं, हम घर में पांच और सौ हैं, लेकिन बाहर वालों के लिए 105 है, इसलिए जाओ और दुर्योधन को छुड़ा कर लाओ। हर घर में, हर परिवार में, हर शहर में, हर स्टेट में, हर देश में एक ही प्राणी होता है जो उस घर को उठाता है, उसके आस पड़ा उसके औरा के साथ ही वह परिवार बढ़ता है, चलता है। तो ऐसे इंसान को संभालना चाहिए। रावण ने बहुत से पाप किए, कई सालों से पाप कर रहा था, लेकिन जब उसने विभीषण को लात मारी तो उसके पिछले पाप उजागर हो गए और रावण का सर्वनाश हो गया। क्यों? विभीषण क्या था? एक तपस्वी था, परमपिता परमात्मा का नाम लेने वाला था, ऐसा एक औरा, एक ऐसी दीवार वहां पर खड़ी की हुई थी जो रावण को, उसको उसकी शक्तियों को बढ़ाती थी, रावण को हित नहीं करने देती थी, उसका नाश नहीं होने देती थी। लेकिन रावण ने वही दीवार अपनी लात से अपने आप ही गिरा दी। विभीषण ने लंका को छोड़ दिया। उसी वक्त रावण का काल शुरू हो गया, जबकि इतना बलवान शनि को बांधा हुआ था, जबकि हम लोग शनि से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, लेकिन शनि वहां पर अपने उपाय की बात कर रहा था कि मुझे रावण से छुड़ा, काल को बांधा हुआ था, ये सब निष्फल था, केवल और केवल विभीषण की शक्ति ही उस रावण को बचा लेगी। इसलिए जब भी समय मिले, जैसा भी समय मिले, आपने अपने परमपिता परमात्मा का नाम लेते रहना चाहिए। ये आना जाना इस दुनिया में तो लगा ही रहेगा, लेकिन दुख होता है जब कोई अपना चला जाता है, छोटी अवस्था में चला जाता है। अंकुशी राघव इनके पिता परमपिता परमात्मा के चरणों में इनका वास हुआ है, हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये दुख कई सालों तक ताउम्र इस परिवार को सहना पड़ेगा। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ इनको दुख सहने की शक्ति दे। ये चारों भाई जो सतपाल जी के घर में जिन्होंने जन्म लिया, अश्विनी जी, राजकुमार जी, मुकेश जी, प्रिंस जी, राजकुमार पिटू जी इस दुनिया से अब जा चुके हैं, लेकिन इन्होंने बड़े ही श्रद्धा के साथ श्री गरुड़पुराण जी का पाठ सुना, बड़े विधि विधान के साथ ये सारा कार्यक्रम क्रियाक्रम इन्होंने करवाया, किसी भी प्रकार का कोई कमी ना रहे। अश्विनी जी बार बार मुझसे एक ही बात करते रहे हर रोज कि जो बढ़कर हो सकता है कि शास्त्र की विधि के अनुसार कृपा करके मेरे भाई के लिए आप करवा दें। भाई शास्त्र में भी बताया गया है कि जो अपनी माता के हाथ से दान करवाता है मैं उसको 100 गुना फल देता हूँ, और जो बेटा अपने पिता के लिए दान आदि करवाता है 1000 गुना उसको फल देता हूँ, जो अपनी बहन के हाथ से दान करवाता है 10000 गुना उसका फल मिलता है। लेकिन जो भाई अपने भाई से दान करवाता है, भाई के लिए करता है, वे पुण्य वे दान अच्छे हो जाता है। जितने भी
जन्म उसके भाई की होगी, आगे जाकर उसका फल उसे हर जन्म में मिलेगा। पक्षी का मतलब होता है, अर्थ होता है कि कभी भी मिटने ना वाला, उसका फल कभी भी नहीं मिटने वाला। तो आइए, ज़्यादा समय अभी नहीं है, अभी पूजन होगा। तेज आगमन के लिए परमपिता परमात्मा का नाम लें। मेरी सभी से करवट बेनती है कि ये नाम अवश्य उच्चारण करें अपने आप की शुद्धि के लिए और राजकुमार बिट्टू जी की आत्मा की शांति के लिए। किसी ने खूब कहा है कि बोलने को नीच बात को बोलता नहीं, लेने को भगवान का नाम, लेने को हरि का नाम, तो मुख को अपने खोलता नहीं। तेरा नाम बोलना तुझे स्पष्ट याद आएगा, तो बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। लेकिन आइए, अभी हम सभी समर्थमान हैं बोलने में, तो आइए भगवान का नाम का उच्चारण करें केवल एक आगमन के लिए। नारायण 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 श्री नम नारायण 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 जो भी उनके सदस्य यहाँ पर हों, तो कृपया हमसे बड़ा प्राप्त।